हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास सेवन्थ एकलव्य बैच के फ्रैक्शंस चैप्टर का लेक्चर नंबर टू में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है और चैप्टर ओवरव्यू नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। इसके साथ ही हमारा चैनल भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, उन सबको हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके साथ ही फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि इस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले टाइप का फ्रैक्शन है वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस है। अब डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं एक बार और इनको देख के फिर क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। यहाँ ध्यान रखना, ऊपर जो लिखा है उसको न्यूमरेटर पढ़ते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिनोमिनेटर देखो 10, 100, 1, 10,000 या फिर यहाँ लिख सकता हो 1,000 लिख दो, फिर 10,000, फिर 1,00,000 ऐसा कुछ दिख रहा होगा देखो तीनों एग्जाम्पल्स में। तो डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब यही होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो 10, 100 या फिर 1,000, 10,000 इस टाइप का हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होंगे, फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1,000 अब एंड सो ऑन आगे तक ऐसे टाइप के चलेंगे 10,000 इस टाइप का। अगर कहीं पे भी आप लोगों को क्या दिखे डिनोमिनेटर दिखे तो आप बोल देना कि वो कौन से फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इनको डेसिमल फ्रैक्शन क्यों बोला जाता है इसको भी मैं कारण बता देता हूँ। तो देखो, वैसे तो हम लोग क्या है, आप लोगों की अगर एनसीईआरटी बुक आप लोगों ने देखी हो तो उसके अंदर फ्रैक्शन और डेसिमल का एक कंबाइंड चैप्टर दे रखे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्रैक्शन अलग से पढ़ाऊंगा, डेसिमल अलग से पढ़ाऊंगा। तो वहाँ क्या होगा, जब हम डेसिमल्स पढ़ेंगे ना तो डेसिमल में सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होता है कि डेसिमल फ्रैक्शंस, और डेसिमल फ्रैक्शंस की हेल्प से फिर क्या बनाया जाएगा, डेसिमल बनाया जाएगा। जैसे कैसे करते हैं वो समझ लो, मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के बता देता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे नीचे कितने जीरो है 1, तो करते क्या है इस साइड से एक डिजिट छोड़ के हम लोग क्या लगाते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 5, उससे पहले क्या लग गया, डेसिमल लग गया। और डेसिमल से पहले कोई जीरो लगा दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे यहाँ क्या होगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के क्या होगा, डेसिमल लग जाएगा। इधर से तो 2 डिजिट छोड़ो 7, 1 छोड़ा फिर डेसिमल लग गया, फिर आगे क्या लगा दिया 0। यहाँ पे कितने हैं 3 जीरो है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इधर से 3 डिजिट छोड़ो 4, 3, 2 छोड़ दो फिर डेसिमल लग जाएगा, यानी 1.234। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको डेसिमल फ्रैक्शंस बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जो फ्रैक्शन है वो है वल्गर फ्रैक्शन। ये जस्ट डेसिमल फ्रैक्शंस का ओपोजिट है। डेसिमल फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 10, 100, 1,000 वगैरह होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1,000 के अलावा कुछ हो, उसके अलावा जितने भी नंबर्स बच गए वो अगर होता है तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे 5/7, 10 नहीं है, यहाँ भी 9 है या 37 है, तो कहीं भी 10 या 100 या फिर 1,000 या फिर 10,000 नहीं आ रहा है। तो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या हो अदर देन 10, 100, 1,000 एक्सेट्रा, अगर इनके अलावा कुछ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला है टॉपिक है यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शंस को देखो कैसे समझ सकते हो, इन तीनों फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स को समझो। यहाँ पे न्यूमरेटर 1 दिख रहा है, यहाँ भी न्यूमरेटर 1 दिख रहा है, यहाँ भी न्यूमरेटर 1 दिख रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर कितना होता है, 1 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर कितना है, 1 है, तो किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है तो उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे कुछ लिख रखा है मैंने, और यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके मैंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स।
तो जब भी हम चार इक्वल पार्ट्स करेंगे ना, तो ईच पार्ट, जैसे ये इसका हर एक पार्ट है, तो इसका ईच पार्ट कितने का होगा? चार में से एक हिस्सा लिया हमने, ये भी कितना होगा? वन अपॉन फोर होगा, ये भी वन अपॉन फोर होगा, ये भी वन अपॉन फोर होगा। तो इसका ईच पार्ट एक क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। तो यूनिट फ्रैक्शन इस तरीके से हम बना सकते हैं, इस तरीके से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। भाई यूनिट का मतलब है कि किसी भी चीज़ के जितने इक्वल पार्ट्स किए हैं उसका हर एक पार्ट क्या होगा? यूनिट होगा, यानी इकाई होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टाइप का जो फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मीनिंग होता है उसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, 2/3, 4/5, 7/11, इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि इनके न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर्स क्या हैं? बड़े हैं। देखो, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर कितना 7 है, डिनोमिनेटर कितना है 11 है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो किससे? डिनोमिनेटर से। ये तो साइन आप लोग आई होप कि जानते होंगे कि जिधर की तरफ ओपन होता है वो वाला पार्ट बड़ा होता है, और जिधर की तरफ क्लोज होता है ये वर्टेक्स टाइप का बनता है, ये क्या कहलाता है? स्मॉलर वाला पार्ट होता है। तो न्यूमरेटर छोटा दिख रहा है सब में और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो उनको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जस्ट इसका ऑपोजिट। तो देखो, इन एग्जाम्पल्स को देखो, न्यूमरेटर 11 है, डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 3 है, 3 है, 2 है, 5, 2, 4, 3। तो यहाँ सब केसेस में आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो, उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमने फ्रैक्शन का मीनिंग समझा था, उस मीनिंग को वापस मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने मीनिंग क्या समझा था कि हमने क्या किया कि कोई चीज़ थी उसके बहुत सारे पार्ट्स किए, उनमें से कुछ पार्ट हमने पिक कर लिए। जैसे यहाँ पे चार इक्वल पार्ट्स किए और चार इक्वल पार्ट्स करके मैंने यहाँ पे तीन पार्ट्स पिक कर लिए। तो तीन पार्ट्स किए तो शेडेड पोर्शन कितना बन गया? 3/4। इसका मतलब तो यही है, हम चार पार्ट करके तीन पार्ट पिक कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चार पार्ट करके चारों के चारों पार्ट क्या कर सकते हैं? पिक कर सकते हैं हम लोग, या फिर दो कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। क्या हम चार पार्ट करके कभी पांच पार्ट पिक कर सकते हैं क्या? भाई पार्ट ही चार किए हैं तो पांच पार्ट कैसे ले सकते हैं हम लोग? अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। जैसे इसका हमने दो पार्ट्स किए हैं और उसमें से तीन पार्ट लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमने जो अभी तक सीखा है फ्रैक्शन का वो तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर इसका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है वो ध्यान से समझना। यहाँ हमें 3/2 है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ हम पार्ट्स करके लेते नहीं हैं, हम एक्चुअल में पार्ट्स करते हैं। तो न्यूमरेटर कितना है? 3 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? इसका मीनिंग होता है 3 के दो इक्वल पार्ट्स करने हैं, लेने नहीं है। क्या करना है? इक्वल पार्ट्स हमें करना है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो 3 चपाती है, हमें दो इक्वल पार्ट्स करने, मतलब ए और बी दो जने हैं, इनके बीच में बांटना है। तो कैसे बांटें? इसको पहले एक दे दो और इसको भी क्या कर दो? एक दे दो। फिर बाकी बच गया, जैसे इसको देने वाले पार्ट को सेडेड कर देता हूँ, ए को देने वाले पार्ट को, बाकी बच गया उसमें क्या करो? आधा पार्ट इसको दे दो, यानी कि फिर एक तो मिल गया, प्लस प्लस का मतलब है कंबाइंड करना। और दो में से कितना पार्ट मिला? इसके दो पार्ट्स करके एक पार्ट इसको दे दिया, ये कितना मिला? 1+1/2। और ऐसे यहाँ क्या किया? इसको आधा पार्ट दे दिया तो इसको भी कितना मिला? 1+1/2। ये जो 1+1/2 मैंने लिखा है ना, यही एक्चुअल में कितना होता है? 3/2। यानी कि हमने 3 के दो इक्वल पार्ट्स किए हैं। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ, कभी भी जस्ट जैसे हम 12 को क्या करते हैं? 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है? 6। ये 6 क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमने 12 के टू इक्वल पार्ट्स किए तो ईच पार्ट कितना बनेगा? 6। यानी कि दोनों, अगर दो जनों में बांटना है 12 को तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 जनों में बांटना है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 जनों में बांटना है तो 4 से डिवाइड करो। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे 12 के दो इक्वल पार्ट्स करने पर ईच पार्ट 6 होगा। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो डिवाइड का मीनिंग यही होता है, इक्वल पार्ट्स करना, जितने से भी डिवाइड कर रहे हो
उसका मतलब है कि जिसमें भी डिवाइड कर रहे हो उसके उतने ही पार्ट्स कर रहे हो। जैसे कि 20 में 4 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 20 के हम 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, वो कितने कितने के होंगे, 5 5 5 के होंगे, ठीक है, 5 5 5 5, तो चार पार्ट्स हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को इम्प्रॉपर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इम्प्रॉपर का मीनिंग पार्ट्स करके लेना नहीं होता, पार्ट्स करना होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे के फ्रैक्शंस को और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्शन, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मिक्स्ड का मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर दो चीजों को कंबाइंड करके बनाया गया होगा। इसको कैसे समझे उसको ध्यान से देखना। तो देखो मैं इसको आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल बताया था कि 3/2 है। 3/2 क्या है, इसका मतलब है 3 के हमें दो इक्वल पार्ट्स करने। तो हम जब दोनों को क्या करते थे, बांटते थे, तो जैसे इसको पहले 1 मिला, इसको भी 1 मिला, फिर इसमें से आधा पार्ट, दो में से एक पार्ट इसको मिला और इस दो में से एक पार्ट इसको मिल गया। तो इसको टोटल कितना मिला, 1+1/2। इसको भी कितना मिला, 1+1/2। ये एक्चुअल में किसके बराबर होता था, 3/2। ये कितना होता था, 3/2। ये हमने लास्ट स्लाइड पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग समझा था, उसमें देख लिया। अब ये जो 1+1/2 है ना, इसी को एक नए तरीके से लिख दिया गया है। उसको कैसे लिखा जाता है, 1 और 1/2, बीच का प्लस हमने गायब कर दिया। बस लिखने का तरीका यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को तो बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। और ये देखो ये वाला कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। इन दोनों को मिक्स करके लिख दिया तो ये जो पूरा फ्रैक्शन बना ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक नया तरीका है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन विच हैव ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल 4, 3/4, तो देखो ये होल नंबर वाला पार्ट है और ये वाला क्या है, 3/4 है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्या चीज़ है। तो ये वाला तो नेचुरल नंबर वाला पार्ट है, ये क्या है, होल नंबर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये पूरा क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे को एक चीज़ और समझनी है, इसको रीड कैसे करेंगे। इसको ऐसे रीड कर सकते हो, 4 and 3/4, इसको रीड करने का तरीका, 4 and 3/4, ये होल नेचुरल नंबर वाला पार्ट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, सॉरी ये होल नंबर वाला पार्ट, गलती से बोल दिया, ये कौन सा पार्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ये नेचुरल वाला पार्ट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। ध्यान रखना, कोई पूछे कि बताओ कि ये क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या, 4 and 4/3, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर वाला पार्ट है, ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर की पहचान क्या होती है, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हमारे को तो पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को कंबाइंड करके लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आप लोगों की चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो हम डिवाइड का साइन लगाते हैं इसके जस्ट आगे बराबर में क्या लिखना है, नेचुरल नंबर वाले पार्ट को लिखना है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो मेन टॉपिक, भाई हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर को ही तो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसी को हमने क्या लिखा है, 1 and 1/2। तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये अब हमारे को सीखना है। तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमारे को मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखो, हमारे पास तीन चीज़ें, एक तो नेचुरल नंबर वाला पार्ट है,
एक जो इम्प्रॉपर है उसका न्यूमरेटर दिया हुआ है और एक इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये नेचुरल नंबर वाला पार्ट है, 3 यहाँ पे इम्प्रॉपर वाले पार्ट का न्यूमरेटर है और 4 इम्प्रॉपर वाले पार्ट का डिनोमिनेटर है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, यानी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होगा किससे, डिनोमिनेटर से। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर न्यूमरेटर को क्या करना है, प्लस करना है, और उसके बाद में जो डिनोमिनेटर था वो ऐसे कैसे क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, नेचुरल नंबर वाला पार्ट ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें न्यूमिनेटर यानी 3 को ऐड करना है और नीचे क्या है 4 है, तो 4 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो अब आगे क्या होगा देखो, 7 4 जा 28 हो गया, 28 प्लस 3 कितना होगा 31 और नीचे कितना हो गया 4। तो यहाँ क्या किया, ये मिक्स्ड में दिया हुआ था इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। इम्प्रॉपर कैसे बोला इसको मैंने, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेम ऐसे इस क्वेश्चन को भी करना है। तो यहाँ क्या होगा, 27 मल्टीप्लाई 15 प्लस 11 डिवाइड बाय 15 होगा। तो देखो 27 को 15 से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो ये क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 105 होगा। फिर कितना आएगा 10 कैरी आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो ये आ जाएगा 405 प्लस 11 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ क्या होगा देखो, ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 416 डिवाइड बाय 15। मतलब ये हमारा क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। करना क्या होता है ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, आप लोग खुद अप्लाई कीजिए इन चीज़ों को। यहाँ क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले देखो 25 को 12 से करेंगे, 10 बार करेंगे तो 250 आएगा, 2 बार करेंगे तो 50 आएगा, 250 और 50 कितना हो गया 300 हो गया। अब 300 के अंदर हम 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 306 और नीचे कितना है 25 है। तो ये हमने डायरेक्ट ही क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें अगला टाइप का टॉपिक क्या है हमारा, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, अभी क्या किया था, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था, अब इम्प्रॉपर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, तो इसको भी देखो, हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसको डी यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। यहाँ पे एन मतलब न्यूमरेटर है और डी मतलब डिनोमिनेटर, इससे डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे ना, तो पहले मैं ये बता देता हूँ किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो जिस चीज़ से भी, जिस चीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं सॉरी जिस चीज़ के अंदर डिवाइड जिसमें डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है। यहाँ पे कुछ लास्ट में बच गया तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं क्वेसेंट। तो हमें यही करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं एक बार ये देख लेता हूँ, ये कहीं स्लाइड से तो बाहर नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ये सारा आप लोगों को रफ में करना है, ध्यान रखना, या आप चाहो तो साइड में भी कर सकते हो। तो इससे डिवाइड करेंगे, 5 टाइम होगा 35 माइनस कितना बचा 3। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो ये क्या है हमारा क्वेसेंट, ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है, या डिविजर बोल दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर से किस में कन्वर्ट करना था, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना था। तो कैसे कि लिखते हैं देखो, यहाँ क्या करना होगा हमारे को, जो भी क्वेसेंट आएगा उसको तो लिखोगे होल नंबर वाले जगह पे, जो भी रिमाइंडर बच गया उसको लिखोगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसके न्यूमरेटर की जगह पे, और जो भी डिविजर था जिससे हमने डिवाइड किया था उसको लिखोगे प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की जगह पे। तो जैसे इस वाले एग्जांपल को अगर हम करें तो 38/7, तो मैंने क्या बताया क्वेसेंट कितना आया उसको तो लिखोगे होल नंबर वाले जगह पे 7 आया। फिर क्या है रिमाइंडर कितना बचा 3, वो ऊपर आएगा, और जिससे डिवाइड किया था वो 7 क्या आएगा नीचे आएगा। आप चाहो तो वापस करके देख लो इनको, 7 5 जा 35
और फिर प्लस 3 करोगे 38 और नीचे कितना है 7, तो इसको हमने क्या कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ देखो मैं इसको 47 बना देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो ये इसको इससे डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 45 होगा, तो वो 3 यहाँ आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 47 माइनस 45 2 बच गया, वो ऊपर आएगा और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आप लोग खुद करना, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क हो गया। एक्चुअल में यहाँ पे बस टेबल याद रखनी है, आप और कुछ नहीं करना, और करते क्या है वो याद रखना है कि क्वेश्चन कहाँ आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, किसको क्या बोलते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे साइड में समझा दिया, तो इसको भी आप क्लाउड टाइप का बना के नोट कर सकते हो, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है देख लो। हमने जो भी पढ़ा है ना उस सबको मैंने यहाँ पे कंबाइंड करके क्वेश्चन बना दिया। क्या बोला है, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इन फ्रैक्शंस में से हमें पता करना है कि यूनिट कौन सा इम्प्रॉपर, कैसे कौन सा प्रॉपर, कौन सा डेसिमल, वल्गर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सबकी मैं पहले कैटेगरी बना देता हूँ, भाई मिक्स्ड कौन सा है, इम्प्रॉपर वाले को यहाँ लिख दूंगा, प्रॉपर वाले को नीचे यहाँ लिख दिया, ठीक है। यूनिट कौन सा है उनको यहाँ लिख दिया, डेसिमल कौन सा है उनको यहाँ लिख दिया, और वल्गर कौन से हैं उनको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो देखो मिक्स्ड पहले ढूंढो, तो मिक्स्ड में इन दोनों को देखो, क्या ये मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड के लिए कंडीशन क्या होती है, एक पार्ट नेचुरल नंबर का होना चाहिए, एक पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, एक पार्ट नेचुरल नंबर, एक पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ होल नंबर नेचुरल नंबर वाला पार्ट है, और यहाँ क्या है प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या हो गया 1 and 3/4। क्या ये भी है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो नेचुरल नंबर है लेकिन ये इम्प्रॉपर है ना कि प्रॉपर। इम्प्रॉपर की पहचान क्या होती है, न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये केवल इसमें आएगा। अब इम्प्रॉपर की पहचान क्या होती है, जिसके अंदर न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। तो देखो क्या यहाँ है, क्या नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है क्या 9/4, तो इम्प्रॉपर में क्या आ जाएगा 9/4। प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यहाँ है क्या 5/7 हो गया, 1/10 भी है क्या, हाँ 1/10 ही, साथ में ये भी है 1/10 डेसिमल भी है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता था, डेसिमल फ्रैक्शन वो होते थे जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस टाइप का हो, तो यहाँ पे 10 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर में लिखना पड़ेगा इसको 5/7 और 1/10। अब 1/10 यहाँ पे यूनिट में भी आएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन उनको बोलते थे जिसका न्यूमिनेटर कितना हो 1 होता है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर कितना है 1 है, प्रॉपर में ये आ गया। क्या 7/9 है, 7/9 भी है, क्या 1/9 है, ये भी है, 1/9 यहाँ भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ न्यूमिनेटर कितना है 1 है। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। डेसिमल, डेसिमल में क्या ये भी आएगा, क्या देखो डिनोमिनेटर 100 आ रहा है तो डेसिमल में आ जाएगा। अब जिसके अलावा जिसका डिनोमिनेटर 10 और 100 को छोड़ के जो भी बच गया वो क्या होगा, वल्गर होगा। तो मतलब इन दो को छोड़ दिया जाए, इसको और इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी के बच गए, यानी कौन से 5/7 भी क्या है, एक वल्गर फ्रैक्शन है, ये भी क्या होगा वल्गर होगा, आगे इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, ये भी क्या होगा 7/9 भी वल्गर होगा, 1/9 भी वल्गर होगा, और 9/4 भी वल्गर फ्रैक्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ और टाइप के हमारे को फ्रैक्शंस को देखना है, उनके ऊपर क्वेश्चंस करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।